नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय सेख। स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, फिरोजपुर डिवीज़न में 15 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम हुई थी, जिसका पार्ट वन 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है। और आज हम लोग देखेंगे 56 से लेकर 110 तक, जो आज ये पेपर फाइनली कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं वेल्डर सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कोर्स का नाम क्या है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, TW3। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉड गेज में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच अंतराल, तो 250 प्लस माइनस 50 है। 58 नंबर क्वेश्चन, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एटी वेल्डिंग, ट्रांसलेमेटिक रोबोटिक वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 in 12 टर्नआउट की ATS पर वेब की मोटाई होती है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं, स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बोर्ड गति सीमा के लिए सामान्यतः कार्यस्थल से कितनी दूर लगाया जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 मीटर, और रुक कर रहता तो 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं, 1 in 8.5 टर्नआउट में स्लीपरों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 67, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन बीट सिंगल लाइन के लिए, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 किलोमीटर। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, BCM मशीन का प्रति प्रभावी घंटे प्रोग्रेस क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मशीन पैकिंग के लिए कम से कम कितना कुशन आवश्यक है, तो 150 mm, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मानसून पेट्रोलमैन द्वारा एक दिन में चली गई अधिकतम दूरी, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, टंग रेल की रिकंडीशनिंग के लिए किस सीरीज का इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, H सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रोड का अनुमोदन कौन करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, RDSO। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखते हैं, रनिंग लाइन पर टर्नआउट बिछाने के लिए किसकी मंजूरी है आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CRS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, मौजूदा कार्य बीजी के लिए न्यूनतम स्विच का थ्रो, तो दोस्तों मौजूदा कार्य बीजी के लिए न्यूनतम स्विच थ्रो 95 है, और नया में जो चल रहा है लगाने का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें 115 mm। 71 नंबर क्वेश्चन, डायमंड क्रॉसिंग का अधिकतम कोण कितना हो सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं, हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई तो 760 mm, मैक्सिमम 840 mm होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, नियम के अनुसार कोई कर्मचारी बिना चार्जशीट जारी किए ही हटाया जा सकता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियम 14/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, स्पर्ट
SPURT कार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, USFD टेस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। 72 UTS और 90 UTS रेलों की वेल्डिंग के लिए किस ग्रेड के पोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 UTS एंड 90 UTS। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले OT वेल्डिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक चाहिए, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 70 से 75 मिनट। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग रेल कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाता है? तो 4 दिन अतिरिक्त मिल जाता है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो दोस्तों उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का नाम सुभान चौधरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अतिक्रमण एक कठिन प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 का ए, कैटेगरी ए। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM? IREM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। 82 नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी रिपोर्ट पर किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। 84 नंबर क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905, 18 फरवरी 1905 को रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी? तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला हर्बल लाइन में जो है पहली विद्युत रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे में सबसे लंबी चेन लाइन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बेस लाइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। किसी रेखा की बियरिंग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी संदर्भ रेखा के सापेक्ष क्षैतिज को। 89 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे पर ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में बिछाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबिक पैराबोला। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुपर एलिवेशन के सूत्र में जी का मान कितने एमएम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1750 एमएम। 91 नंबर क्वेश्चन। टर्नआउट के नवीनीकरण के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो T28 का। 92 नंबर क्वेश्चन। PQRS के लिए सहायक ट्रैक वर्तमान ट्रैक से कितना ऊंचा होना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्लान तैयार करना किस विभाग की जिम्मेदारी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजीनियरिंग विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटल बार में सबसे बाईं तरफ क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी, कंट्रोल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर पॉइंट। 96। कार्यालय पत्राचार तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, MS Word। नेक्स्ट क्वेश्चन 98।
बोल्ड लेटर करने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस बी। 99 नंबर क्वेश्चन, स्टेट ऑफिसर का नामांकन किसके तहत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 4 पीपीई एक्ट। 100 नंबर क्वेश्चन, बीजी वैगन के लिए फ्लैट टायर का अनुमत मान कितना होना चाहिए? तो 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 से लेकर 110 तक राजभाषा हिंदी देखेंगे। राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी का अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन? क, ख, ग। 104 नंबर क्वेश्चन, संविधान की कौन कौन सी धारा तक राजभाषा के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 343 से 351। 104 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा में तकनीकी रेल विषयों पर पुस्तक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। 105 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा में काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा के अनुपालन का किसका दायित्व है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्यालय प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है? तो 8। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हिंदी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं, राजभाषा में तकनीकी एवं विज्ञान विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। दोस्तों आज ये पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसा ही वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, रेलवे ज्ञान पे, तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसे आप देखकर आपके आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सकेंगे। धन्यवाद।